नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमकीन सेवई। यह बहुत ही जल्दी बन जाता है, मैक्सिमम 10 मिनट लगता है ये बन जाता है। और आप इसे नाश्ता में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर कभी कभी कुछ खाने को मन करता है, कुछ चटपटा खाने को मन करता है, तब उस टाइम भी आप बना सकते हैं ये। तो इसके लिए मैंने यूज किया है सेवई, ये रोस्टेड है। अगर आपके पास रोस्टेड सेवई नहीं है तो आप थोड़ा सा घी डाल के या तेल में रोस्ट कर सकते हैं। ये मैंने मार्केट से ही रोस्टेड सेवई लिया है। मटर, गाजर लिया है, मैंने बारीक काट लिया है गाजर। मूंगफली ये मैंने रोस्ट कर लिया है। और बीन्स लिया है, कड़ी पत्ता 5-6 कड़ी पत्ते हैं। 2 हरा मिर्च, प्याज और बारीक कटी धनिया। तो इससे हम बनाएंगे नमकीन सेवई। एक पैन में आप तेल गरम कर लीजिए और उसमें सरसों दाने डाल दीजिए और इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इतना करिए कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसमें आप कड़ी पत्ता डाल दीजिए, कड़ी पत्ता से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास में ये जो वेजिटेबल मैंने यूज़ किया है कोई वेजिटेबल नहीं है, या फिर आप पसंद नहीं करते, तो उसको एस्केप भी कर सकते हैं और दूसरा वेजिटेबल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 हरा मिर्च डाला है, बीच से काट के डाला है। आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं और इसमें आप अपने टेस्ट अनुसार मिर्चा बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा थोड़ा गल गया है प्याज। तो अब इसमें हम सारे वेजिटेबल डालेंगे। ये बीन्स डाल दिया मैंने, इसको हम चला लेते हैं ताकि इसमें लगे ना, क्योंकि तेल हमने बहुत कम यूज किया है। इसमें गाजर, मटर सब इसमें डाल के आप इसको थोड़ा सा चला लीजिए ताकि तेल में ये मिक्स हो जाए अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये गल जाए, सब्जी अच्छे से गल जाए। इसको हम लिड लगा देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको कम फ्लेम में पकने देंगे ताकि ये सब्जी जितना भी हमने डाला है वो सब गल जाए, अच्छे से पक जाए। ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर और लाल मिर्च। आप मिर्च अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला पक जाए। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही पानी डालें जितने में ये मसाला अच्छे से पक जाए। और इसको फिर 1 मिनट के लिए मसाला पकने दीजिए और इसको लीड बंद करके रख दीजिए। देखिए दोस्तों, ये मसाला पक गया है। अब इसमें हम मूंगफली डाल देंगे, सेवई। ये मैंने एक बॉल लिया है, 2 लोगों के लिए काफ़ी है ये। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। पहले ही हमने नमक डाला है तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कितना नमक आपको अच्छा लगता है, और इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें गर्म पानी डालिए, एक कप, एक बॉल मैंने सेवई लिया है तो मैंने इसे एक कप पानी में डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते हुए देखेंगे। आप इसमें इतना पानी डालिए कि ये सेवई के बराबर हो जाए। ज़्यादा अगर आप पानी डालेंगे तो ये सेवई पूरा गल जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। आप इतना पानी डालिए ताकि ये देखिए ऐसे दबाने से हल्का सा पानी ऊपर आ जाए। इतना पानी डाल के आप इसको अच्छे से चला के लीड बंद करके रख दीजिए। 2 से 3 मिनट में ये बन जाएगा और फ्लेम लो करिएगा ताकि ये बाफ से अच्छे से पक जाए। देखिए दोस्तों ये पक गया है और ये अच्छे से गल गया है। तो अब इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से चला के हम 15 से 20 सेकंड तक इसमें ऐसे ही लीड लगा के रख देंगे। इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अब हम सर्व करेंगे। देखिए कितना एक एक कितना फैला फैला बना है और कितने अच्छे से पक गया है। तो ये झटपट तैयार हो जाता है, मैक्सिमम 10 मिनट लगता है ये। देखिए दोस्तों ये तैयार हो गया है, रेडी टू सर्व है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।